हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रैशनल बग्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं साइंस मैथमेटिक्स क्लास 7 चैप्टर नंबर 2 रैशनल नंबर्स। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले समझते हैं रैशनल नंबर्स होते क्या हैं। अगर कोई पूछे व्हाट आर रैशनल नंबर्स, हम बोल सकते हैं नंबर्स ऑफ द फॉर्म, एक पर्टिकुलर फॉर्म याद रखनी है, कैसी फॉर्म होनी चाहिए, पी अपॉन क्यू। जैसे नंबर फ्रैक्शन होते थे वैसे ही होता है, एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर, ठीक है। तो नंबर जो इस फॉर्म के होंगे वो रैशनल नंबर होंगे। कंडीशन क्या है कि डिनोमिनेटर कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होगा, ये कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये पहली कंडीशन है, ध्यान रखनी है। दूसरी कंडीशन है पी एंड क्यू, ये बिलोंग्स टू का साइन होता है। पी एंड क्यू कहां से ले रहे हैं, पी एंड क्यू हम ले रहे हैं इंटीजर्स से। इंटीजर्स कौन से होते हैं, नंबर टाइप के जितने भी नंबर होते हैं, जीरो यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल मैंने दिया 3/-7, ठीक है, नेगेटिव है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। नॉन जीरो है, ये भी सेटिस्फाई हो रही है, तो इट इज अ रैशनल नंबर। एक नंबर मैंने लिया -2/0, -2 ठीक है इंटीजर है, जीरो भी इंटीजर है, बट क्या हो रहा है डिनोमिनेटर जीरो है, तो ये रैशनल नंबर नहीं है, ठीक है। एक मैं ले रही हूँ 0/17, 17 इंटीजर है, जीरो भी इंटीजर है, दोनों इंटीजर है, ठीक है। और क्या है डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये भी रैशनल नंबर है। तो सिंपल याद रखना है, कोई से भी नंबर हो सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव हो सकते हैं, बस ये जीरो नहीं होना चाहिए, तब ये रैशनल नंबर कहलाएगा। अब स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज टू ए। क्वेश्चन नंबर 1 इज राइट डाउन अ रैशनल नंबर हुज न्यूमरेटर इज लार्जेस्ट नंबर ऑफ टू डिजिट्स, ठीक है। न्यूमरेटर क्या है, देखो अगर हमें रैशनल नंबर लिखना है तो कुछ न्यूमरेटर होगा कुछ डिनोमिनेटर होगा। न्यूमरेटर क्या बोला है, लार्जेस्ट है, कैसा है लार्जेस्ट, लार्जेस्ट नंबर ऑफ टू डिजिट्स, नंबर ऑफ टू डिजिट्स यानी दो डिजिट का हो और लार्जेस्ट नंबर हो। डिनोमिनेटर क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ फोर डिजिट, ठीक है। सबसे पहले ध्यान रखना है लार्जेस्ट डिजिट क्या होती है, स्मॉलेस्ट डिजिट क्या होती है। कभी भी हम काउंटिंग पढ़ते हैं 0, 1 से लेके 9 तक होती है, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट हमारे पास 0 होता है और लार्जेस्ट हमारे पास होता है 9, ठीक है। अब मैं बोलूं लार्जेस्ट वन डिजिट नंबर बताओ, इन सब में से कौन सी डिजिट है सबसे बड़ी है, लार्जेस्ट 9 बोल देंगे। अब मैं बोलूं लार्जेस्ट टू डिजिट नंबर बताओ, दो डिजिट और सबसे बड़ी है, तो 99, इससे छोटा 98 होता है, इससे बड़ा 100 हो जाता है, ये 3 डिजिट हो रहे हैं, ठीक है। ऐसे इसमें हमें बोला है लार्जेस्ट नंबर ऑफ टू डिजिट, तो ये यूज कर सकते हैं। तो न्यूमरेटर तो हमारे पास आ गया 99, डिनोमिनेटर देखते हैं स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ फोर डिजिट, जब इसमें स्मॉलेस्ट नंबर पूछेंगे तो पहले तो 0 है, ठीक है। बट अगर पूछ लेंगे स्मॉलेस्ट ऑफ टू डिजिट, तो 00 में 0 ही काउंट होता है, 000 पे करते हैं तो 0 ही काउंट होता है। तो जब भी 1 से मोर जाएंगे तो 1 आगे हमें लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये 100, ये 1000, अभी कितने डिजिट है 1, 2, 3, तो ये स्मॉलेस्ट है 3 डिजिट वाला, ठीक है। स्मॉलेस्ट ऑफ 1 डिजिट 0 हो गया, 2 डिजिट 10, 3 डिजिट 100, 4 डिजिट 1000, ऐसे चलेगा। जब भी स्मॉलेस्ट की बात हो तो 00 काउंट करने और 1 लगाना है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो डिनोमिनेटर है स्मॉलेस्ट 4 डिजिट, 4 डिजिट होनी चाहिए, 1, 2, 3 और ये 1 हो गया 4, ठीक है। तुम्हारा आंसर हो गया न्यूमरेटर विच इज 99 अपॉन डिनोमिनेटर विच इज 1000। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 इज राइट द न्यूमरेटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स। ये हमें रैशनल नंबर दिए हैं, हमें पूछा है इनका न्यूमरेटर क्या है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कोई भी रैशनल नंबर इस फॉर्म का होता है पी अपॉन क्यू, पी हमारा न्यूमरेटर होता है और क्यू डिनोमिनेटर होता है, तो न्यूमरेटर हुआ ऊपर वाला, ठीक है, याद रखना है, डिनोमिनेटर हुआ नीचे वाला, ठीक है। जिसे याद नहीं हम लगता है कि कैसे होगा, सपोज ऐसा कर लो ये जो है ये ब्रिज है, ठीक है, ब्रिज के ऊपर ये एन है और नीचे डी है, डी है घूमने वाला है, घूम चुका है, ठीक है, ब्रिज के नीचे, तो डिनोमिनेटर के नीचे वाला है, न्यूमरेटर ऊपर वाला होगा। ऐसे कर सकते जंप करने वाला है, नहाने वाला है, एन नहाने वाला, डी डूबने वाला, ठीक है। इसमें न्यूमरेटर क्या है, न्यूमरेटर होता है ऊपर वाला -1 to 5, इसमें न्यूमरेटर क्या है ऊपर वाला 37 -85, इसमें कुछ नहीं है तो अपॉन 1 मान सकते हैं, तो
न्यूमरेटर हो गया टू, इसमें कुछ नहीं तो हम वन मान सकते हैं, न्यूमरेटर हो गया जीरो, न्यूमरेटर मतलब ऊपर वाला नंबर बस, ठीक है। नेक्स्ट है राइट द डिनोमिनेटर, अब डिनोमिनेटर देखना है, डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाला, तो पहले का आंसर होगा ये -15, ठीक है। नेक्स्ट का आंसर राइट कर दिया 29 हो गया, थर्ड का आंसर 4 हो गया, अब देखो ये -7 है, -7 के साथ में क्या हो सकता है 1, अपने आप में 1 ही ले सकते हैं, ठीक है, जिससे इस नंबर पे कोई डिफरेंस ना आए। अगर मैं 2 ले लूंगी तो 7 का हाफ हो जाएगा, अगर 7 ले लूंगी तो 1 आ जाएगा, तो अपनी चॉइस के अगर कोई नंबर है 1 ही लेना है, इसका आंसर हो गया डिनोमिनेटर इज 1। बट इस केस में देखो 0/1 सॉल्व करें तो 0 आता है, 0/9 भी सॉल्व करें तो 0 आता है, 0/99 भी 0 आएगा, तो इसमें कोई सा भी नंबर हो सकता है, ठीक है। इस वाले का डिनोमिनेटर हो जाएगा एनी नंबर, कोई सा भी नंबर इसका डिनोमिनेटर हो सकता है, बट एक कंडीशन ध्यान रखनी है कि ये जो नंबर होना चाहिए ये 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया है क्यू इज नॉट इक्वल्स 0, एनी नॉन जीरो नंबर ले सकते हो, नॉन जीरो होना चाहिए मतलब 0 को छोड़ के, कोई पॉजिटिव नंबर या कोई नेगेटिव हो सकता है, कोई भी हो सकता है, बट 0 नहीं होना चाहिए। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4, राइट डाउन अ रैशनल नंबर विद न्यूमरेटर, न्यूमरेटर की वैल्यू क्या है, न्यूमरेटर होना चाहिए -5 मल्टीप्लाइड बाय -4, ठीक है, अपॉन डिनोमिनेटर की वैल्यू दी है 28 -27 मल्टीप्लाइड बाय 8 -5, सिंपल है, सॉल्व करके देखना है, कल न्यूमरेटर करते हैं -5 -4 मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई में माइनस माइनस प्लस हो जाता है, एंड 5 × 4 इज 20, ठीक है, डिनोमिनेटर पे आते हैं 28 -27 1 आ गया, मल्टीप्लाई आज इज 8 -5 3 आ जाएगा, ठीक है, हमारे पास रेशनल नंबर हो गया 20/3, ये हमारा आंसर है। अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5, फिलअप समय दे रखे हैं, पूछा है एक रेशनल नंबर है -50/1, इसे अगर इंटीजर की फॉर्म में लिखें तो ये कैसा होगा, इंटीजर मैंने बताया है इंटीजर क्या होते हैं, जो हम नंबर लाइन पे शो करते हैं, ठीक है, इंटीजर्स होते हैं, इनका कोई डिनोमिनेटर नहीं होता है, नो डिनोमिनेटर लिख देते हैं, ठीक है, क्लियर रखना है, इनका डिनोमिनेटर नहीं होता है, डिनोमिनेटर अगर आ जाएगा तो रेशनल नंबर बन जाएंगे, तो पूछा है कि इंटीजर फॉर्म लिखनी हो तो क्या होगा, इंटीजर मतलब डिनोमिनेटर नहीं है, इंटीजर फॉर्म सिर्फ न्यूमरेटर होता है 50 साथ में साइन नेगेटिव, ठीक है, ऐसे इसकी इंटीजर फॉर्म लिखनी है, ये इंटीजर है तो क्या होगा, न्यूमरेटर होता है सिर्फ, डिनोमिनेटर नहीं होता, बट अगर डिनोमिनेटर हटा देते माइनस बच रहा है -7 के ऊपर आ जाएगा, ठीक है, -23, इसे अगर 23/-1 पड़े या -23/1 पड़े दोनों सेम होते हैं, ठीक है, -1 है तो 1 ही लगेगा। नेक्स्ट बोल रहे हैं अगर 80 इक्वल है 80/A के तो A की वैल्यू कितनी होगी, खुद करके देख सकते, देखो A की जगह 2 लिख दू अगर मैं तो कैंसिल होकर 9 बना देगी, 3 लिख दू तो 6 बना देगी, तो कोई ऐसी वैल्यू लिखो जो 18 को 18 ही रहने दे, चेंज ना करें, ठीक है, तो अगर A की जगह 1 लिख दो तो ये 18/1 हो जाएगा, तो ये 18 का 18 रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट पूछा है 57/A है तो क्या करें कि वैल्यू -57 हो जाए, चेंज ना हो बट माइनस हो जाए, दैट मीन्स A की वैल्यू माइनस कर लो, जैसा क्वेश्चन होगा कि 100/A है क्या करें A की वैल्यू के आंसर 20 आ जाए, A की जगह हमें देखना है किसे किससे कैंसिल करें कि 20 आता है, A की जगह हम 5 ले सकते थे, 5 1 टाइम, 5 2 टाइम्स, 5 0 टाइम्स 20, ठीक है, बट अगर 100 का 100 ही रहना है, चेंज नहीं होना है, दैट मीन्स हमें 1 लेना है, 1 से नंबर चेंज नहीं होता है, अगर मैं 99 लिख रही हूँ या 99/1 लिख रही हूँ ये दोनों नंबर सेम होते हैं। नेक्स्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6, सेपरेट पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेशनल नंबर्स, इसमें से पॉजिटिव कौन से हैं और नेगेटिव कौन से हैं ये हमें बताना है, ठीक है, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था रेशनल नंबर होते हैं P/Q की फॉर्म में, ये पॉजिटिव है क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, ठीक है, P भी Q भी, अगर P नेगेटिव हो गया और Q पॉजिटिव है तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव हो जाते हैं, नेगेटिव काउंट होगा, ठीक है, अगर P पॉजिटिव है और Q नेगेटिव है तो प्लस माइनस माइनस होता है, ये नेगेटिव काउंट होगा, बट अगर P भी नेगेटिव Q भी नेगेटिव तो माइनस माइनस प्लस पॉजिटिव काउंट होगा, ठीक है, फर्स्ट पे आ रहे हैं तो सिर्फ ये नेगेटिव है, एक नेगेटिव है तो नेगेटिव बनेगा, ये हो गया नेगेटिव, ठीक है, 3/-5 एक नेगेटिव है ये भी हो गया नेगेटिव, ऐसे नेगेटिव को डायरेक्ट, ठीक है।
-3 -5 -+ कैसे कैंसिल हो जाते हैं, ये हमारे पास हो गया पॉजिटिव 3/5 देखने में पॉजिटिव पता चल रहा है, ये भी पॉजिटिव हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है 0, अगर नंबर लाइन पे देखो तो 0 के इस साइड पॉजिटिव स्टार्ट होते हैं, इस साइड नेगेटिव होते हैं, तो 0 क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, ठीक है। नेक्स्ट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आंसर इज पॉजिटिव, ठीक है। देन माइनस 1 है इसमें, तो आंसर इज नेगेटिव, 1 नेगेटिव है तो नेगेटिव काउंट होगा, इसमें भी 1 नेगेटिव है तो नेगेटिव, दोनों नेगेटिव होते हैं तो पॉजिटिव होता है, दोनों पॉजिटिव होते हैं तो पॉजिटिव होता है, ऐसे याद रख सकते हो, दोनों साइन सेम होंगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा, दोनों साइन डिफरेंट होंगे तो आंसर नेगेटिव आएगा। अब नेक्स्ट करें क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड 3 इक्विवेलेंट, क्योंकि इक्विवेलेंट समझना बहुत जरूरी है, इक्विवेलेंट तो हमें 3 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स लिखने हैं, इसके 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 और इसके, ठीक है। ये इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की तरह होते थे, जैसे एक हमारे पास अगर नंबर है 3/5 पूछ रहे हैं इसके जैसे ही इक्विवेलेंट, मतलब जिसकी इक्वल वैल्यू हो, ठीक है, ऐसे नंबर देखो जिनकी इक्वल वैल्यू हो, जिनकी वैल्यू यही है, सपोज एक नंबर में दिमाग करती है 150, ठीक है, कैंसिल करो 10 3 टाइम्स 10 5 टाइम्स इक्वल वैल्यू आ गई, सेम वैल्यू आनी चाहिए, हमें ऐसे 3 नंबर लिखने हैं सबके, ठीक है, बहुत इजी सा मैथड होता है इसे हमें बनाने का। मैं ऐसे करती हूँ 3/5, ये दूसरा 3/5 और ये थर्ड, क्या करना होता है हमें सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है ऊपर भी और नीचे, पहले भी किया हुआ है ये, सेम नंबर से एक बार दोनों को 2 से करा, एक बार 3 से, एक बार 4 से, क्यों करते हैं, इक्विवेलेंट चाहिए, देखो 2 और 2 कैंसिल तो 3/5, 3 और 3 कैंसिल तो 3/5, 4 और 4 कैंसिल तो 3/5, ठीक है, बट आंसर क्या होगा ये 3 to 6, 5 to 10, एक हो गया, इसका हो गया 9/15, इसका हो गया 12/20, ये हो गया फर्स्ट के 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है, या रेशनल नंबर्स। सेकंड का करते हैं 4/-7, इक्विवेलेंट मतलब मैंने बताया इक्वल वैल्यू हो, अपने कैंसिल करके देखो तो इनको सबको करता होगा तो ये सारे 3/5 बन जाएंगे, ठीक है। अब 4/7 के करना है, नेगेटिव 7 है तो नेगेटिव बनेंगे सारे नंबर्स, ठीक है, अगेन सेम कर रहे हैं, किसी भी नंबर से कर सकते हो बट सेम से करना है, 100 से करो 200 से करो बट सेम होना चाहिए ऊपर नीचे, 3 and 4, ठीक है, कितना हो जाएगा इसका न्यूमरेटर 8 डिनोमिनेटर -14, 4 into 3 = 12, 7 into 3 = 21, साइन नेगेटिव, 4 into 4 = 16, 7 into 4 = 28, साइन नेगेटिव। अगर मैं किसी एक को भी कैंसिल करके देखोगे ना तो आंसर यही है, ठीक है, सपोज इसे करें 4 को लेवल से 4 4 टाइम्स 4 7 टाइम्स, साथ में माइनस, तो इक्विवेलेंट में आंसर हमेशा सेम आते हैं, इसका ध्यान रखना है, ठीक है। अब कर रहे हैं नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट हमें दे रखा है यह करना रहेगा -5/9, ठीक है, पार्ट थर्ड, -5/9 अपने आप निकाल सकते हो साथ साथ, करते हैं 5 into 2 = 10/18, साइन लेगा नेगेटिव, 5 into 3 = 15, नेगेटिव साइन, 9 into 3 = 27, 5 into 4 = 20, नेगेटिव साइन, 9 into 4 = 36, ठीक है। करना है ना लास्ट ऑफ हमें, लास्ट है 8/-15, ठीक है, सेम नंबर से ऊपर नीचे, इससे इजी क्वेश्चन हमारे पास मुश्किल ही होते हैं, ठीक है, एक ही बटन है वही फॉलो करते आना है बस, यहाँ दोनों को 4 से कर दिया है, यहाँ दोनों को 3 से कर दिया है, यहाँ दोनों को 2 से कर दिया, 8 into 16 8 into 3 = 24, 8 into 4 = 32, ऐसे चल रहे देखो, ये 8 का टेबल चल रहा है ऊपर, नीचे 15 का टेबल चल रहा है, 15 2 times 15 3 times कितना हो जाएगा 45, 15 4 times 16, और सिर्फ 8 नेगेटिव है तो नेगेटिव भी चलेगा, ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर। अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8, Which of the following are not rational numbers? इनमें से कौन से नंबर ऐसे हैं जो रैशनल नंबर नहीं है? रैशनल नंबर ना होने के एक कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्या था कि कभी भी डिनोमिनेटर 0 नहीं होता है, ठीक है, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। पहले से देखते हैं, दिस इज न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर नहीं है तो हम लगाते रहो, ठीक है, बाकी जगह है, यहाँ तो 1 है तो आंसर हो गया यस, यहाँ 1 है तो आंसर
डिनोमिनेटर का ध्यान रखना है, डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर नाइन। क्वेश्चन नंबर नाइन हो रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स एज अ रैशनल नंबर विद डिनोमिनेटर सेट। तो क्या बोला है, बोला है ये इंटीजर्स देखिए इंटीजर्स का होता है न्यूमरेटर और न्यूमरेटर होता है, ठीक है। इनको क्या कराना है, इंटीजर्स को रैशनल नंबर बनाना है। तो रैशनल नंबर कैसे होते हैं, जिनका डिनोमिनेटर भी होता है। कभी इनका डिनोमिनेटर में वन कर दो सकता कुछ नहीं है, तो वन मान लेते हैं, सिर्फ वन ही अपनी चॉइस से मान सकते हैं, टू थ्री फोर नहीं मान सकते, जीरो नहीं मान सकते, ठीक है। बट कंडीशन क्या है, डिनोमिनेटर क्या हो इस रैशनल नंबर का, सेवन है, ये कंडीशन है। दैट मीन्स इसकी जगह सेवन आना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। वन का सेवन कब बनेगा, जब उसे सेवन से मल्टीप्लाई करेंगे, जो नीचे करते हैं वो ऊपर भी करते ही करते हैं। ये मेथड होता है जो भी अपनी चॉइस से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे होते हैं ऊपर नीचे दोनों से करना पड़ता है, ठीक है। सिमिलरली सेवन यहाँ भी, सेवन यहाँ भी, सेवन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने बोला है डिनोमिनेटर सेवन बना, वन का सेवन बना तो सेवन से किया, ठीक है। अगर वन का टेन बनाने को बोलते तो ऊपर नीचे टेन से कर देते। अभी हम सबको सेवन से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखते क्या आंसर आ रहा है, 35.7, ये नेगेटिव है, देखो अपॉन सेवन तो आएगा ही, क्योंकि वन इंटू सेवन सेवन ही होता है, ठीक है। सेवन तो सब में आ रहा है। न्यूमरेटर चेक करते हैं, एट इंटू सेवन होता है 36 और साइन नेगेटिव, जीरो इंटू सेवन जीरो, 16 इंटू सेवन सेवन इंटू सिक्स 42, और यहाँ आ गए 7 इंटू वन सेवन प्लस 4 11 और साइन नेगेटिव, 7 इंटू सेवन 49, ये हमारा आंसर है। क्या किया है हमने, सारे डिनोमिनेटर्स सेवन बनाए, ये 35.7, नेक्स्ट हो गया 56.7 नेगेटिव है, 0.7 112.7 एंड 49.7, इसकी वैल्यू वैसे जीरो ही आएगी, बट उन्होंने बोला डिनोमिनेटर चाहिए इसलिए हम ये नहीं लिखे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्रेस 3/5 एज रैशनल नंबर विद डिनोमिनेटर। इसका डिनोमिनेटर सारे पार्ट्स में चेंज हो गया, ठीक है। जिसने प्रीवियस क्वेश्चन ढंग से पढ़ा है उसे पता है क्या करना है। पहले पार्ट में बोला है इस रैशनल नंबर को एक्सप्रेस करो ऐसे कि इसका डिनोमिनेटर 20 बन जाए, 5 का 20 बन जाए, क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करो ऊपर भी और नीचे भी, जो ध्यान से पढ़ेगा उसे समझ आ जाएगा, ठीक है। 3 × 4 = 12, 12 / 20। नेक्स्ट पार्ट में हमें डिनोमिनेटर बनाना है -20, ठीक है, बिल्कुल सेम है, बट क्या होना चाहिए, बस -20 होना चाहिए, यानी इसे मल्टीप्लाई करा इस बार -4 से, क्योंकि हमें माइनस का साइन चाहिए ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है, ये -12। इस बार खुद करना है, नेक्स्ट बनाना है हमें 45, ठीक है। मैं लिख ली हूँ, अपने आप ट्राई करो, मैक्सिमम बच्चे जो समझ के पढ़ रहे हैं उनके सही आएंगे आंसर्स। इसके बाद हमें 25 बनाना है और लास्ट पार्ट में हमें बनाना है -35, ठीक है, कर लिया होगा तक। अब आंसर्स में हमें 5 का 45 बनाना है, तो 9 से ऊपर 9 से नीचे, ठीक है, आई होप सही आया होगा, राइट मार्क कर लेते हैं। 5 का 25 बनाना है, 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 25 आया 5 से, 5 × 5 = 25, ऊपर भी 5 से, ये हो गया 15, ठीक है। अब 5 का 35 बनाना है, तो 5 को किससे करेंगे, 7 से, बट नेगेटिव चाहिए तो नेगेटिव 7 से करना, ठीक है, ऊपर भी नीचे भी, ये आ गया नेगेटिव 21। तो हमारा आंसर है ये वाला, डिनोमिनेटर जैसे बनाने को बोले थे हमें डिनोमिनेटर वैसे चेंज करने हैं, बाकी कुछ भी नहीं करना। अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11, एक्सप्रेस 4/7 एज अ रैशनल नंबर विद न्यूमरेटर। क्या बोला है, 4/7 को एक्सप्रेस करना है और उसका न्यूमरेटर नया बनाना है, ठीक है। तो कई बच्चों को तो देख के समझ आ गया होगा, पहला बोला है न्यूमरेटर 12 बना दो, क्या करना है, 4/12 बनाना है, कैसे बनेगा, 4 3 से मल्टीप्लाई करने पर, ऊपर 3 नीचे 3, ठीक है, फर्स्ट आंसर दिया गया। नेक्स्ट ट्राई करना है, सारे 4/7 है, क्या बनाना है, मैं बताई जा रही हूँ, अपने आप ट्राई करके देखो, ये आदत है, ये -12 बनाना है, इस बार न्यूमरेटर बोला है इसलिए ऊपर का चेंज कर रहे हैं, ठीक है, डिनोमिनेटर बोलते हैं तो नीचे का करना पड़ता है, फिर -20 बनाना है और फिर 20 बनाना है, इसे बनाना है 4/7 में से न्यूमरेटर, ठीक है, करते हैं। अब 4 का -12 +12 पे 3 से क्या था, -12 पे -3 से, ये ऊपर नीचे हमेशा सेम होते हैं ताकि कैंसिल करके 1 बनता है, ठीक है, ये आ गया -21।
अब 4 का माइनस 16 बना रहे हैं, 4 इंटू 4 16 होता है, तो हमें माइनस चाहिए तो माइनस का साइन भी लगेगा, माइनस 4 ऊपर माइनस 4 नीचे 28। अब 4 का माइनस 20 चाहिए, 4 इंटू माइनस 5 ऊपर भी नीचे भी, ये ध्यान रखना है हमेशा सेम चलता है, ठीक है। लास्ट में 20, 20 से होगा 500, 4 इंटू 5 20, 7 इंटू 5 35, ये हमारा आंसर है। क्या किया है, सिर्फ न्यूमरेटर के हिसाब से चेंज किया है इस बार, जिससे न्यूमरेटर को करते हैं उसी से डिनोमिनेटर को भी करते हैं। अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12, इसमें है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, हमें सिंपल सा एक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। क्वेश्चन समझना है बहुत ईजी है, देखो न्यूमरेटर का क्या बन रहा है वो देखना है, उसी के हिसाब से डिनोमिनेटर का क्या बनेगा ये बताना है, ठीक है। पहले तो मैं प्रॉपर सोल्यूशन कर रही हूँ, हमारे पास है माइनस 2 अपॉन 3, माइनस 2 का 6 बन रहा है, 2 का 6 कब बनता है जब मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, ठीक है। बट हमें क्या करना है, माइनस का प्लस बनाना है, तो माइनस से करना पड़ेगा, 2 माइनस लिख के प्लस बनाना है, जिससे ऊपर करते हैं उसी से नीचे भी मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। नीचे आ जाएगा माइनस 9, इसे कंपेयर करके देखो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ लिख देते हैं x इज इक्वल टू माइनस 9, ठीक है। कैसे आ रही है ये समझना है, इस नंबर में या इस नंबर में किसी एक साइड मल्टीप्लाई करना है ताकि दूसरी साइड के इक्वल बन पाए। नेक्स्ट में आ रहे हैं 7 अपॉन माइनस 4 इक्वल x अपॉन 8, डिनोमिनेटर देखो क्या हुआ है, माइनस 4 का 8 बन गया, किससे करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, अगर मैं यहाँ थोड़ी सी स्पेस भी हटाऊ, ठीक है, इसका 8 बन गया है, तो ये निकालना है, इसका 8 बनाने के लिए 2 से करना पड़ेगा, और क्योंकि पॉजिटिव बन रहा है तो माइनस 2 से करना पड़ेगा, माइनस माइनस प्लस बन रहा है, ठीक है, ऊपर भी माइनस 2 से करेंगे, कितना बन जाएगा ये 7 इंटू 2 माइनस 14, अब इसे कंपेयर कर लो x इज इक्वल टू माइनस 14। अब करें नेक्स्ट, नेक्स्ट में हमारे पास क्या है, देखो अभी डिनोमिनेटर बता रखा है 7 का कितना बन गया है माइनस 35, 7 का 35 कब बनेगा बताओ, 7 का 35 जब इसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर भी और नीचे भी, और कैसा 35, नेगेटिव 35, तो मतलब माइनस वाला नंबर लेना पड़ेगा ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा 3 इंटू 5 15, और ये बन जाएगा माइनस 35। अब इन दोनों को कंपेयर करो, x की वैल्यू कितनी आ रही है माइनस 15, x की जगह ये आ गया, सीधा नंबर पहचानना है कुछ नहीं करना, ठीक है। अब ग्यारह करते हैं, 48 नेगेटिव है और यहाँ 6 बन रहा है, तो 6 का क्या बनाना है 48, 6 का 48 अगर करते अपॉन 1 लिख देते हैं, 6 अपॉन 1 यूज कर सकते हैं, 6 का 48 कैसे बनेगा जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, ठीक है। बट नेगेटिव 48 बनाना है तो नेगेटिव 8 से बनाना पड़ेगा, ठीक है, ऊपर भी और नीचे भी, तो नीचे कितना बन गया, ये बन गया माइनस 48 अपॉन माइनस 8। अब इसे और इसे कंपेयर करना होगा, इससे एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है अगर देखो, एक्स की जगह माइनस 8 आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट कर रहे हैं 36 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3 अपॉन 1, ठीक है, 36 बनाना है किसका, 3 का, 3 का 36 कैसे बनेगा, 3 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, 12 से ऊपर 12 से नीचे, ठीक है, ये बन जाएगा 36 अपॉन 12। अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे, सेम बनते हैं दोनों, एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है इससे 12, ठीक है। सिमिलर है बिल्कुल, नेक्स्ट अपॉन 1 मान लेते हैं, माइनस 27 इक्वल किसके 9 के, कब इक्वल होगा जब इसे हम माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से करेंगे तो 27 आएगा, हमें माइनस चाहिए इसका, माइनस 3 से करना है ऊपर भी नीचे भी, ठीक है। ये कितना बन गया हमारे पास माइनस 27 अपॉन माइनस 3, कंपेयर करना है इसको और इसको, एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है इससे माइनस 3, बिल्कुल देखो सेम है, हमें क्या करना है बस दोनों साइड को इक्वल बनाना है, लेफ्ट को और राइट को इक्वल बनाना है, उससे आंसर आ जाएगा। अगर फ्रैक्शन मैच करें तो दोनों एक जैसे होने चाहिए, जैसे 36 ये 36, तो एक्स की वैल्यू आ गई, ये माइनस 27 ये माइनस 27, तो एक्स की वैल्यू आ गई। कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर डी, बोला है एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन लोएस्ट टर्म्स, दैट मींस इनको तब तक सिंप्लीफाई करना है जब तक इनका फर्दर सिंप्लीफिकेशन ना होगा, ठीक है, दैट मींस ए कैंसिल कर देना है। एक तो सिंपल मेथड होता है कि दोनों का एक्सएल निकालो और उससे डिवाइड कर दो, ठीक है, बट जो क्लास 5 से मेथड हम पढ़ रहे हैं वही करते हैं, ऊपर नीचे कैंसिल करते हैं, सेम टेबल से 3 के टेबल में
ये आ रहा है 4 times और ये आ रहा है 5 times। जो आंसर आएगा वो आपस में कैंसिल नहीं हो पाएंगे, तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है -120/144। इसे कैंसिल करना है, ये बहुत देर तक हो सकता है। वो अगर मैं 2 से करूं तो 2 6 times 12 और 0 आ जाएगा, माइनस 7 चलेगा, 2 7 times 14 और 2 2 times 2। ठीक है, फर्दर दोबारा हो रहा है। देखो अगर बड़े नंबर से कर सकते हो डायरेक्ट तो ज्यादा अच्छा है। जैसे मेरे को दिख रहा है दोनों 6 के टेबल में आते हैं, 6 10 times माइनस चलता रहेगा, 6 1 times 6 1 रिमेनिंग, तो 12 बन गया 6 2 times 12। अगेन 2 से कर रहे हैं, 2 5 times एंड 2 6 times। ठीक है, और नेगेटिव साइन साथ में चलेगा, -5/6 ये हमारा इसका आंसर है। नेक्स्ट करते हैं 48/72। डायरेक्ट अगर टेबल से करेंगे ना बहुत इजी है, ये भी 48 और 72 दोनों एक के टेबल में आते हैं, ये सबसे बड़ा टेबल होता है। दोनों 2 में आते हैं, दोनों 3 में आते हैं, दोनों 4 में आते हैं, 6 में आते हैं और 8 में आते हैं। ठीक है, मैं 8 से करती हूँ, 8 6 times 8 9 times। ठीक है, और क्या देख सकते हैं, अगर ये फर्दर कैंसिल हो रही है तो करे जाए, दोनों 3 के टेबल में आ रहे हैं, 3 2 times 3 3 times, और क्योंकि दोनों नेगेटिव थे तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, नेक्स्ट है 48/56। उसे करते हैं 2 7 times 56 नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा, 56 को 2 से करो तो पहले 5 को करते हैं, 2 2 times 4 हुआ, 1 बचा 16 बन गया, 2 8 times 16 7/-28। फर्दर करें 7 1 times 7 4 times और साइन नेगेटिव, हमारा आंसर है 1/-4। अब कर रहे लास्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस करना है इन डेसिमल नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, सबसे पहले पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड फॉर्म होती क्या है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म लोएस्ट फॉर्म होती है, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है, बट एक कंडीशन रखती है कि डिनोमिनेटर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो पहला देखते हैं -7/-8। हमें क्या करना है, मैंने बताया डिनोमिनेटर पॉजिटिव करना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो -8 से क्या मल्टीप्लाई करें कि पॉजिटिव 8 बन जाए, -1 मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर भी नीचे भी। ठीक है, -7 -1 7 पॉजिटिव, 8 और 1 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, या डायरेक्टली देखो तो ये वाले कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में अगेन -12 है, तो माइनस कराने के क्या करना है, माइनस से मल्टीप्लाई करना है, 1 से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 1 वैल्यू चेंज नहीं करेगा, 12 into 1 12 रहेगा, 5 into 1 5 रहेगा। यहाँ अगर -2 कर दूंगे तो इसका आंसर अलग आ जाएगा। ठीक है, हमें सिर्फ नेगेटिव बनाना है, तो ये 2 नेगेटिव मिलकर पॉजिटिव हो गए और ये 5 into -1 -5। ठीक है, अगेन ये बिल्कुल सेम है, बहुत इजी है। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म जब भी आए क्या करना है, नीचे का नेगेटिव हटाना है और हटाने के लिए -1 से मल्टीप्लाई करना है बस। मल्टीप्लाई में 2 नेगेटिव पॉजिटिव बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 4/-9, -9 का माइनस कराना है तो -1 से ऊपर, -1 से नीचे, 2 नेगेटिव पॉजिटिव होते हैं, 1 नेगेटिव नेगेटिव होते हैं, ये हमारा आंसर है। अब जो प्रीवियस क्वेश्चन हम कर रहे थे अगर उसमें एक पार्ट बताऊं, जैसे ये वाला ले लो, ठीक है, -9 कैंसिल हो गया, 48/72 आ गया। स्कूल में ऐसा हो सकता है कि एचसीएफ वाले मेथड से कराएं, तो क्या करना पड़ता है, दोनों को डिवाइड करना पड़ता है एचसीएफ से। ठीक है, एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, 48 और 72 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा पहले हमें ये निकालना पड़ेगा। अगर ये मेथड करा रहे हैं स्कूल में तो मैं बता दूं, अलग अलग निकलता है 48 कैसे और 72 का ऐसे। उसे करें 2 2 times 2 4 times, टू से अगेन 1 time 2 time, 2 6 times, 2 3 times, 2 3 1 time। ठीक है, इसका करते हैं 2 3 times 6, 1 remaining 12 हो गया, 2 6 times, फिर 2 से करते हैं 2 1 times 2, 1 remaining 16 हो गया, 8 times, 2 9 times, 3 3 times, 3 1 time। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है एचसीएफ, इसके फैक्टर देखो 2 कितने टाइम्स है, 4 times, फिर 3 है, इसके कितने टाइम है, 2 times, 3 times और फिर 2 3। तो इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया, ऐसे पढ़ते थे अगर याद हो गए, फिफ्थ में कराते हैं फोर्थ में कराते हैं। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 3।
8 × 3 = 24। दैट मींस हमें क्या करना पड़ेगा, 48/72 को डिवाइड करना पड़ेगा 24 से, क्योंकि इसका एलसीएम आया है 24। आंसर सेम आते हैं, स्कूल में दो मैथड कराए करना है, 24 से डिवाइड करोगे तो ये 2 आ जाएगा, इसे 24 से डिवाइड करोगे तो 3 आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 13 का ये पार्ट मैंने बताया है दूसरे मैथड से, एचसीएफ से क्या करना है, दोनों नंबर से एचसीएफ निकालना है और उससे उसे डिवाइड करना है। एचसीएफ क्या होता है, सारे फैक्टर्स लिखो और फिर उनमें से जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं उनका मल्टीप्लीकेशन करो। ठीक है।